Xiaomi EUMIUI 9.5.16 beta version for Redmi Note 7 Pro. Hi friends, Rajesh here from technobuzz.net. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 10 का जो बीटा वर्जन है उसका जो मॉडरेट रोम है Xiaomi.eu जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए मिलता है जिसमें गूगल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं, उसको आज हमने अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं MIUI के मुकाबले और कैसे आप इसको अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ऑल स्पेक्स का पेज आपको देखने को मिलता है। Redmi Note 7 Pro जो डिवाइस मॉडल MIUI वर्जन आप देख पा रहे होंगे MIUI 10.4 Pi Xiaomi.eu 9.5.16 बीटा वर्जन। Android 9 Pi के ऊपर बेस्ड है। 1st ऑफ मई 2019 का आपको सिक्योरिटी पैच इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आप MIUI वर्जन पर क्लिक करेंगे, आप अंदर जाके इसके चेंज लॉक्स को चेक कर पाएंगे। मेनू पर जाइए एंड व्हाट्स न्यू। अब यहाँ पे आपको पूरी जो है चेंज लॉक की लिस्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि ऐप लॉक, एडिड सपोर्ट फॉर सेटिंग प्राइवेसी एप्लीकेशन हाइडिंग एप्लीकेशन डेस्कटॉप आइकन, ये एक चीज़ डाली गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर को पहले से काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया गया है, अब काफ़ी फास्ट हुआ है। लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। कैमरा के अंदर फिल्टर इफेक्ट दिया गया है आपको, साथ ही साथ ऐड न्यू गेम टू डिसेबल पुल डाउन नोटिफिकेशन बार फंक्शन, ये भी आपको इसके अंदर मिला है गेम एक्सेलरेशन यानी स्पीड बूस्टर के अंदर। साथ ही साथ सपोर्ट सेपरेट सेटिंग टू एंटर गेम टू टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट आई प्रोटेक्शन मोड, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और सर्च ऐप के अंदर छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं MIUI की तरफ से। पर Xiaomi EU ने जब इस रोम को मॉडरेट किया था तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करके दी हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर कोई भी चाइना के एप्लीकेशंस या कोई भी MIUI के फालतू के एप्लीकेशंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, आपको ना इसमें एड्स देखने को मिलते हैं, रैम मैनेजमेंट पहले से बेटर है और कोई भी अनवांटेड सिस्टम ऐप्स हैं वो आपको नहीं मिलते, जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाती है। गूगल प्ले स्टोर आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई सजेस्ट इशू नहीं है। अब मैं सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। वोल्ट का फीचर्स में परफेक्टली काम कर रहा है, आपको देख पा रहे होंगे इसके अंदर। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो डिस्प्ले के अंदर आपको सिस्टम फॉन्ट टेक्स्ट साइज ये सारे मोड मिल जाते हैं। डार्क मोड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डार्क मोड आपको कहाँ मिलता है इसके अंदर हिडन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डार्क मोड आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, आपने सिंपली माई डिवाइस पर जाना है, ऑल स्पेक्स पर जाना है और जो MIUI वर्जन है इस पर 809 टैप करेंगे और आपको लिखा आएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। अब आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक मोड देखने को मिलता है नाइट मोड। नाइट मोड को आप जो है ऑन कर देंगे, उसके बाद जो है डार्क मोड आपके फ़ोन के अंदर एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं डार्क मोड हमारे सेटिंग्स पैनल में भी एक्टिव है, हमारे डायलर पैड के अंदर भी जो है डार्क मोड अब एक्टिवेट हो चुका है, उसी तरीके से हमारे मैसेज बॉक्स में भी एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपको नाइट मोड को इनेबल करना है और उसके बाद जो है आप डार्क मोड को यहाँ से ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से आप डार्क मोड इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अभी हम डिस्प्ले देख रहे थे, डिस्प्ले के नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलपेपर थीम्स। थीम्स के अंदर जाएंगे तो थीम्स के अंदर आपको वही तीन थीम्स मिलती हैं, बाकी और भी ज़्यादा थीम्स देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन में पूरा लेआउट आपको MIUI 10 का ही इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पासवर्ड में चलते हैं तो मैनेज फेस डाटा के अंदर जो एक नया ऑप्शन जिन्होंने ऐड किया था शो नोटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर वेरीफाइंग फेस डाटा, जो कि काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और एडिशनल सेटिंग्स में आपको क्लॉक्स मिल जाती हैं तीन तरीके की, देखिए सेंटर्ड, लेफ्ट अलाइन और वर्टिकल। हम वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके का लुक इसके अंदर देखने को मिलता है। ये देखिए फेस अनलॉक से हमारा फोन जो है अनलॉक भी हो चुका है, फेस अनलॉक भी पहले से बेटर हुआ है। नोटिफिकेशन स्टेटस बार में सारे पैनल आपको वही दिखता है, आपको छोटे मोटे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप बैटरी इंडिकेटर को आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कैरियर नेम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ क्यूक सेटिंग्स लेआउट को भी आप डिफॉल्ट या कॉम्पैक्ट जिस तरीके से रखना चाहें उसको आप यहां से रख सकते हैं। होम स्क्रीन रिसेंट्स के लेआउट में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, साथ ही साथ आपको स्क्रीन टाइम यानी डिजिटल वेलबींग का भी फीचर इसमें मिल रहा है, जिसको देख के आप अपने पूरे स्क्रीन टाइम को जो डाटा है सो चेक कर सकते हैं कितने देर आपके फ़ोन के अंदर कौन सी एप्लीकेशन रन हुई है और कितने बार आप फ़ोन को आपने अनलॉक एंड लॉक किया है। तो ये भी अच्छा चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का लुक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑलरेडी आपके MIUI 10 स्टेबल के अंदर भी एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलता है।
फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको हाइड नॉच का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसको हाइड करेंगे, जो आपका जो फुल स्क्रीन जो डिस्प्ले था जिसमें नॉच आपको शो करता, वो हाइड हो जाएगा और कुछ इस तरीके नोटिफिकेशन पैनल अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप नॉच इन इंडिविजुअल ऐप्स को भी यूज़ करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर ऐप्स के लिए आप नॉच हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिरर बटन्स और फुल स्क्रीन मोड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी इमरजेंसी SOS MOV लाइव की चीज़ों को आपको पता ही है। साथ ही साथ अगर नीचे आप चाहें तो और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ऐप लॉक वगैरह, जो कि परफेक्टली इसमें काम कर रहे हैं। कैमरे के अंदर जो है आपको AI मोड मिल जाता है इसके अंदर, साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का भी आपको मोड मिल जाता है। आप फोटो के अंदर जो है इसके अंदर डायनामिक शॉट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे शॉट्स को कैप्चर करेंगे आप कुछ इस तरीके से तो उसके बाद आप कोई बेस्ट फोटोग्राफ जो है उसमें से अपने लिए जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने फोटो क्लिक की थी, आप इस पर टैप कीजिए और ये डायनामिक शॉट्स के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जो है एक कुछ फोटोज़ की लिस्ट मिलेगी कि जो फोटो आपको बेस्ट लगती है आप उसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और वो फोटो जो है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो ये फीचर भी आपको डायनेमिक शॉट्स का इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है कि Redmi Note 7 Pro का जो कैमरा जो है पहले से ही बेटर है, बट आप कुछ और एक्स्ट्रा फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड में भी आपको AI मोड मिल रहा है, आपको नाइट मोड, पैनोरामा मोड और प्रो मोड मिल जाता है, जिसमें आपको वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड और ISO के ऑप्शन मिल जाते हैं और ऊपर 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आपको शॉर्ट वीडियो और वीडियो के अंदर मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कौन कौन से वीडियो मोड पे आप जो शूट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेटिंग्स में आप वीडियो क्वालिटी को आप 4K 30fps और 1080p 30 या 60fps के अंदर रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। कैमरा टू API इसके अंदर इनेबल्ड है और साथ ही साथ ये फ़ोन जो है थर्ड पार्टी थीम को भी सपोर्ट करता है, जो कि आपका MIUI का रोम जो है कभी भी थर्ड पार्टी थीम सपोर्ट नहीं करता है। तो ये देखिए थीम्स मैनेजर कुछ आपको इस तरीके देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर वॉलपेपर्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, आपको इसके अंदर लाइव वॉलपेपर का भी सपोर्ट मिलता है। आप अपने अकाउंट पर जाएंगे कस्टमाइज थीम में तो आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बूट एनिमेशन चेंज कर सकते हैं आप, बूट ऑडियो, डायल पैड, फेवरेट ट्रिक, आइकन्स, मैसेजिंग, लॉक स्टाइल एंड स्टेटस बार, ये सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थीम लैब में आप जाएंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाता है और वॉलपेपर स्लाइड शो का भी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। गैलरी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। गैलरी को आप जो है मंथली वाइज भी इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको पिन जूम करके या पिन आउट करके इसमें उस तरीके से आप जो है इमेजेस को आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आपको जो है गेम बूस्टर का फीचर मिल जाता है, ये देखिए गेम स्पीड बूस्टर का, जिसमें आप अपने गेम्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। गैलरी के अंदर भी छोटे छोटे चेंजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। कैलेंडर का लेआउट कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, जो एज इट इज़ वही है जो आपको MIUI 10 के अंदर मिलता है। और फाइल मैनेजर कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, थोड़ा सा UI में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल सकता है आपको फाइल मैनेजर के अंदर, जो कि अच्छी बात है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको किए। बेंचमार्क स्कोर काफी परफेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है इसको। बेंचमार्क स्कोर जो इसको मिलता है 181816, जो कि अच्छा बेंचमार्क स्कोर है इस रोम का Redmi Note 7 Pro के ऊपर। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस रोम को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। पहली बात तो ये बीटा वर्जन के ऊपर बेस्ड है, सेकंड ये सारी यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करता है, इसमें काफी सारी आपको ग्लोबल लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, गूगल प्ले स्टोर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है और जितने भी अनवांटेड ऐप्स थे उन सबको रिमूव कर दिया गया है। चाइनीज एप्लीकेशन सारे रिमूव कर दिए गए, जिससे आपके फ़ोन की स्टोरेज स्पेस बढ़ती है और आपकी रैम मैनेजमेंट भी अच्छी होती है। बेंचमार्क स्कोर हम देख लिया है। अब हम स्पीड गेम बूस्टर के थ्रू जो है एक बार गेम को लॉन्च करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं एक बार पबजी को लॉन्च कर देता हूं यहां से, ताकि आपको पता चले पबजी आप कौन से मोड पर खेल सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड पर चलता है कि नहीं चलता है। तो ये देखिए इस टाइम पे आपके वीडियो के ऊपर पबजी की स्क्रीन है। हम ग्राफिक्स पेज चलते हैं, आप HD मोड और फ्रेम रेट को हाई पे रख के इसके अंदर गेम्स को खेल सकते हैं। गेम्स खेलने में कोई सच ऐसे इशू नहीं है। आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको गेम बूस्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्राउजर्स को आप चेक कर सकते हैं। स्पीड बूस्टर को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कट कर सकते हैं यानी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं यानी रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन को कैप्चर भी कर सकते हैं। थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप वाईफाई को टर्न ऑफ, सिम्स को अपने से स्वैप कर सकते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप गेम खेलते समय कभी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली मैंने आपको सभी फीचर अब इसके दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक जिप फाइल चाहिए, जिस रोम की आपको इंस्टॉल करना है उसको मैंने आपका लिंक दे दिया है, जो कि 1.77 GB के आसपास की फाइल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसको सेव करने के बाद आपको अपने फ़ोन को कस्टम TWRP रिकवरी पे बूट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आप कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। शट ऑफ होते के आप वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे एंड कुछ ही देर में आपका फ़ोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। तो ये देखिए अब हमारा फ़ोन जो है कस्टम TWRP रिकवरी पे बूट कर चुका है। आप सबसे पहले वाइप पे जाएंगे, आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एडवांस वाइप डालवी कैश कैश सिस्टम वेंडर डाटा सबको आपने वाइप कर देना है, इंटरनल स्टोरेज को वाइप नहीं करेंगे। अदरवाइज आपने जो
जिप फाइल सेव की है वो भी डिलीट हो जाएगी। जैसे सारे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं आप वापस होम पर जाएंगे, इंस्टॉल पर जाके उस जिप फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। ये नियर अबाउट 1 to 2 मिनट लेगी इस रोम को फ्लैश होने के बाद। उसके बाद जो है आपको अपने फोन को रीबूट कर देना है। अगर आपका फोन जो है रीबूट होने के बार बार कस्टम रिकवरी पे आता है देन आपको वाइप में जाके फॉर्मेट डाटा का जो बटन है उसको टैप करना पड़ेगा, तब जाके आपका फोन जो है सक्सेसफुली बूट हो पाएगा। तो ये देखिए रोम फ्लैश हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए रोम हमारा फ्लैश हो गया है, अब रीबूट सिस्टम कर देंगे एंड डू नॉट इंस्टॉल। अब आपका फोन जो है थोड़ी देर में जो है इस रोम के ऊपर बूट होगा। अगर आपका फोन बूट नहीं होता है वापस कस्टम रिकवरी पे आता है तो वाइप पे जाके फॉर्मेट डाटा टाइप करके फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करके यस टाइप कीजिए, उसके बाद जो आपका फोन जो है सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ गई है यानी रोम हमारा फ्लैश हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।